इमरान खान की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, पुलिस ने घेराबंदी की, इमरान के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला, पुलिस ने 5 आतंकी मार गिराए, मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी और पाकिस्तानी रेंजर समेत 4 की मौत, 2 हमलावरों की पहचान हो गई है। आतंकियों के पास थे ग्रैंड हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक गन, पाकिस्तानी रेंजर्स ने की जवाबी कार्रवाई, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने लिया आतंकी हमले की जिम्मेदारी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 263 रनों पर सिमटी, पहले दिन के स्टंप्स तक भारत ने बिना नुकसान के 21 रन बनाए, सुबह 9:30 बजे शुरू होगा दूसरे दिन का खेल। दक्षिण अफ्रीका से आज भारत आएंगे 12 चीते, कूनो पार्क में लाए जाएंगे चीते, ग्लोब मास्टर विमान रवाना, आज ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा विमान। चीतों के आने से पहले सीएम शिवराज ने लिया तैयारियों का जायजा, ग्वालियर से 3 हेलीकॉप्टर्स में चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान करेंगे रिलीज। शिव प्रताप शुक्ला होंगे हिमाचल के नए राज्यपाल, आज लेंगे शपथ, रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर लेंगे शपथ। दिल्ली के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पहले मेयर फिर डिप्टी मेयर का हो चुनाव, 24 घंटे में चुनाव की तारीख तय हो। 2 युवकों को जिंदा जलाने के मामले में कार्रवाई, हरियाणा से पकड़ा गया एक आरोपी रिंकू सैनी, बाकी की तलाश जारी। यूपी के वाराणसी में महाशिवरात्रि की धूम, काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई भव्य आरती। अमृतसर के शिवाला बाग मंदिर में शिवजी की आरती, फूलों से सजाया गया पूरा मंदिर, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर महाकाल की भव्य आरती, महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। फूलों से सजा तेलंगाना का अम्मावरी मंदिर, मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी ने महाशिवरात्रि की पूजा की। ओडिशा में महाशिवरात्रि की धूम, लिंगराज मंदिर में की गई भव्य सजावट। गोरखपुर के झारखंडी मंदिर में भी दिखा उत्साह, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर को भी सजाया गया, भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के बाहर बम की खबर फर्जी, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई, फोन करने वाले की जांच में जुटी पुलिस। एपीपीएससी पेपर लीक को लेकर ईटानगर में विरोध प्रदर्शन, सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद की गई। चुनाव आयोग में शिंदे गुट की बड़ी जीत, शिंदे गुट को मिला शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह, चुनाव आयोग ने दिया आदेश। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले सीएम शिंदे, कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला मेरिट के आधार पर है, ये लोकतंत्र और बाला साहेब के विचारों की जीत है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिनने के बाद बोले उद्धव ठाकरे, कहा राम के पास भी धनुष बाण था और रावण के पास भी, लेकिन जीत तो राम की। स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पर भगवान हनुमान की तस्वीर, विमान के टेल पर दिखी बजरंगबली की तस्वीर, एचएएल ने 2 दिन पहले हटाई थी फोटो। एरो इंडिया शो में देश की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का प्रदर्शन, साल 2024 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना। अब्दुल्ला आजम से वोट का अधिकार छीना गया, वोटर लिस्ट से नाम काटने का आदेश, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत। रामचरितमानस पर फिर से बोले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, कहा अभी तो 1-2 की बात की है, दर्जनों बाकी है। रामचरितमानस विवाद पर बोले यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, समाजवादी पार्टी के पास अब कोई एजेंडा नहीं, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने की कोशिश। समाजवादी पार्टी से निकाली गई ऋचा सिंह का अखिलेश पर हमला, बोली समाजवादी पार्टी महिला विरोधी, ऋचा ने की थी स्वामी प्रसाद मौर्य की आलोचना। सवाई माधोपुर के मानसरोवर बांध की मुख्य नहर टूटी, आसपास के मकानों को खाली कराया गया, हाईवे पर 3 फीट तक पानी बहा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, 2 टिफिन बम समेत विस्फोटक बरामद। हरिद्वार में कार का हुआ एक्सीडेंट, कार सवार की मौत, 1 की हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के बिजनौर में पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग, बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान, जलकर राख हुई बाइक। मऊ में सड़क पर ट्रैक्टर पलटने से हादसा, ट्रैक्टर चालक की हुई मौत। जालौन में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। औरैया में गंग नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, किसी को नहीं हुई कोई क्षति, सुरक्षित बाहर निकाले गए कार सवार। जौनपुर में बदमाशों ने व्यापारी से की 3 लाख की लूट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के बाजपुर में गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग हुए घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। कुशीनगर में कपड़ों की दुकान में 3 लाख की चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के राजसमंद में रतन जोत के बीच खाने से 14 बच्चे हुए बीमार, अस्पताल में जारी है बच्चों का इलाज। श्रीगंगानगर में गाड़ी चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार, चोरी के साथ बाइक पर आया। जोधपुर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, विदेशी शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार।
टोंक में नगर परिषद कमिश्नर को एसीबी ने किया गिरफ्तार, 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। चित्तौड़ में पुलिस ने जब्त की 6 किलो ड्रग्स, ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, 1 कार भी जब्त। अलवर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 2 महिलाएं गंभीर रूप से हुई घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चित्तौड़ में नील गाय ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में कार में मिला युवक का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बगहा में कई घरों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग की घटना, मिसिसिपी में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या, मरने वालों में एक महिला भी शामिल, एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया। तुर्की में भूकंप से 84,000 से ज्यादा इमारतें तबाह, कई शहरों में मलबा हटाने का काम कर रहे हैं ट्रक, ड्रोन फुटेज आया सामने। भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार, तुर्की के कई शहरों से आ रही हैं ऐसी ही तस्वीरें।